स्टूडेंट्स हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 लिंग। इस पार्ट के द्वारा हम पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, सदैव मतलब हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं। जो शब्द संज्ञा के स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति होने का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इन शब्दों को देखिए, जैसे अध्यापक अध्यापिका, मुर्गा मुर्गी। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष अथवा नर जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इन शब्दों को देखिए, पिता राजा घोड़ा, ये पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री अथवा नारी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी मालिन कबूतरी। अब हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के साधारण नियम। पहला नियम, नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द भाषाओं लिपियों नदियों बेलों और तिथियों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही होता है। दूसरा, नित्य पुल्लिंग पर्वतों समुद्रों अनाजों मक्की और ज्वार को छोड़कर दिनों ग्रहों महीनों द्रव पदार्थों वर्णमाला के अक्षरों देशों नगरों तथा धातुओं चांदी को छोड़कर के नाम हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा, आकार प्रकार में भारी भरकम विशाल वस्तुएं प्राय पुल्लिंग और कोमल दुबली पतली तथा छोटी दिखने वाली वस्तुएं प्राय स्त्रीलिंग मानी जाती है, जैसे सती सुहागन संतान आदि। चौथा, नित्य भिन्न कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके स्त्री तथा पुरुषवाची शब्द रूप सदा ही भिन्न होते हैं, जैसे कि दर्जी दर्जन पिता माता कुम्हार कुम्हारिन पंडित पंडिताइन विद्वान विदुषी वीर विरंगना तपस्वी तपस्विनी कवि कवित्री। पांचवा, नर मादा कुछ शब्दों में स्त्री अथवा पुरुष का अंतर करने के लिए शब्द से पहले नर अथवा मादा शब्द जोड़ना ही पड़ता है, जैसे कि मक्खी नर मक्खी बालू मादा बालू गिलहरी नर गिलहरी मच्छर मादा मच्छर गैंडा मादा गैंडा मछली नर मछली लूमड़ी नर लूमड़ी लंगूर मादा लंगूर। शेवा उभयलिंगी कुछ पद्यवाची शब्द उभयलिंगी होते हैं, उनका प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों रूपों में समान रहता है। उदाहरण के लिए संसद सलाहकार प्रवक्ता मंत्री सचिव बारी राजदूत अधिवक्ता अभियंता राज्यपाल। सातवां, प्रत्यय प्रयोग से लिंग परिवर्तन पुरुषवाची शब्दों में अ ई इया इका वती मती नी आनी इन और आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीवाची शब्द बनाए जाते हैं। अ लगाकर प्रिय प्रिया नी लगाकर हंस हंसनी ई लगाकर देव देवी आनी लगाकर सेठ सेठानी इया लगाकर चिड़ा चिड़िया इन लगाकर पड़ोसी पड़ोसिन इका लगाकर बालिक बालिका आइन लगाकर ठाकुर ठाकुराइन वती जामती लगाकर बलवान बलवती गुणवान गुणवती श्रीमान श्रीमती। आठवां, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ये शब्द जो है वे अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिखावा पहनावा
मोटापा, स्वामित्व, बहाव, परिवार, वंश। बच्चों, इस पाठ में से हमने सीखा है कि पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पर्वतों, अनाजों, दिनों, देशों आदि के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं, नदियों, तिथियों आदि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। बच्चों, अब आप सही शब्द के साथ उचित प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। धन्यवाद।